आपको इस वेक्टर का डायरेक्शन क्वेश्चन बताना है। लेट आपके पास ए वेक्टर है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, डी आर ऑफ वेक्टर ए क्या है, डी आर ऑफ वेक्टर ए वन, ये कोफिशिएंट जो होते हैं वो डी आर होते हैं, वन टू थ्री। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं पहले डी आर को, दूसरे नंबर को बी से, और तीसरे नंबर को क्या करते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी आर जनरली रिप्रेजेंट बाई ए बी सी, और डी सी ऑफ द वेक्टर, डी सी ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाई एल एम एन एन। एल क्या होता है, एल होता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम होता है b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n होता है c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट निकाल सकते हो ऐड करके, इस तरह से आप एलेवन निकाल सकते हो। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी समझ लें आप कि आपके पास ये a वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए आप, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास नाइन प्लस फोर थर्टीन और ये फोर्टीन, रूट फोर्टीन इसका मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर ए का। इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ए कैप लिखेंगे आप। ए वेक्टर आपके पास क्या है, I प्लस टू जे प्लस थ्री के अपॉन अंडर रूट रूट फोर्टीन लिखोगे आप, a कैप लिख सकते हो वन अपॉन रूट फोर्टीन आई, टू अपॉन रूट फोर्टीन जे और थ्री अपॉन रूट फोर्टीन के, आप ऐसे लिख सकते हो। आपने क्या किया, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला, इस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकाला है, इसमें जो आई जे के कोफिशिएंट हैं वो डी सी ऑफ दिस वेक्टर है, डी सी, डी सी ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, एल क्या होगा, ये नंबर आएगा एल वन अपॉन रूट फोर्टीन, वन अपॉन रूट फोर्टीन, एम क्या आएगा टू अपॉन रूट फोर्टीन और एन आएगा थ्री अपॉन रूट फोर्टीन। आपको यदि किसी वेक्टर के डीसी निकालने हैं तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, और उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उस वेक्टर के क्या होते हैं, डीसी होते हैं, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस वेक्टर के डीआर, ये कोफिशिएंट जो है डीआर हैं, डीआर को हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी को हम एलएमएन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल जो होता है वो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, एम जो होता है बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और एन सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक तरह से इस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, रूट फोर्टीन ही निकल के आएगा। आप चाहें ऐसे सॉल्व कर लें और चाहें आप ऐसे सॉल्व कर लें, जैसी आपकी इच्छा है, आपकी समझ में आ गई होगी बात, आप इसे कॉपी कर लीजिए।